बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। सर्दियों के सीज़न में गाजर का हलवा हर एक घर में बनता है और गाजर का हलवा बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। और आज ये गाजर का हलवा हम बिल्कुल हलवाई की स्टाइल से बनाएंगे। शादियों में जिस तरीके से हलवाई गाजर का हलवा बनाते हैं, बिल्कुल वही टेस्ट का और वही टेक्सचर का हमारा ये गाजर का हलवा बनेगा। और ये हलवे में हम मावा का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और मिल्क पाउडर का भी नहीं। फिर भी आप देख सकते हैं ये कितना दानेदार है, क्योंकि ये हलवाई की स्टाइल की बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। और टेस्ट इसका इतना बेहतरीन है कि एक बार आपने ये गाजर का हलवा बना लिया तो गारंटी है कि आप हर बार यही तरीके से ही गाजर का हलवा बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो गाजर ले ली है और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है ताकि इसकी मिट्टी वगैरह जो भी है वो निकल जाए। और गाजर हमें लाल हो ऐसी ही लेनी है। गाजर को हम छील लेंगे, बिल्कुल पतला छिलका ही हमें गाजर का निकालना है। तो यहाँ पे मैंने सारी गाजर को छील लिया है और ऊपर का हिस्सा भी मैंने इसका थोड़ा सा काट लिया है। तो गाजर को अब हम ग्रेट करेंगे और गाजर को हमें बड़े हॉल वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करना है। गाजर हम थोड़ा सा मोटा मोटा ग्रेट करेंगे तो गाजर हमारी जल्दी से गलेगी नहीं और हमारा हलवा बहुत ही लच्छेदार और खिला खिला बन के तैयार होता है। तो सारी गाजर को हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने सारी गाजर को ग्रेट कर लिया है। ऐसी बड़ी बड़ी ही हमारी ग्रेटेड गाजर होनी चाहिए। अब हम एक बड़ी सी कढ़ाई ले लेंगे और इसमें हम 1.5 लीटर दूध डालेंगे। और ये दूध मैंने पहले से ही गर्म करके ठंडा कर लिया था, तो मलाई के साथ ही हमें ये दूध को लेना है और हाई फ्लेम पे ही हम दूध को उबालने रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा दूध उबल रहा है। यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप इसी में ही गाजर का हलवा बनाइए, क्योंकि इसमें बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है और हलवाई भी लोहे की कढ़ाई में ही हलवा बनाते हैं। अगर ये कढ़ाई ना हो तो आप कोई भी नॉनस्टिक कढ़ाई भी ले सकते हैं। और कढ़ाई भी हमें बड़ी ही लेनी है ताकि हम हलवे को अच्छे से हिला पाए। तो दूध को हम ऐसे ही 10 मिनट तक उबलने देंगे। तो देखिए, 10 मिनट तक हमने दूध को उबाला है और चम्मच भी हमें हिलाते ही रहना है ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। अब दूध हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारी ग्रेट की हुई गाजर। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे और अब दूध के साथ हम गाजर को पकाएंगे। गाजर डाले बाद हमें गैस की फ्लेम को हाई कर देना है और इसे हम अच्छे से हिलाते रहेंगे। इस तरह दूध के साथ गाजर पकने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और दूध के साथ गाजर पकते पकते इसका दाना भी बनने लगता है और हमारा हलवा बहुत ही दानेदार बनता है। तो इसे हम 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाते रहेंगे। देखिए, हमारी गाजर बहुत ही बढ़िया दूध के साथ पक रही है और गैस की फ्लेम को मैंने हाई ही रखा है। हाई फ्लेम होने की वजह से हमें इसे हिलाते ही रहना है ताकि नीचे से ये चिपके नहीं और ये पकते पकते और ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, वहाँ तक हम इसे पकाते रहेंगे। तो देखिए, 5 मिनट और मैंने इसे उबाल लिया था और दूध हमारा और गाढ़ा हो गया है। उबलते उबलते इसके साइड पर जो मलाई चिपकती है वो भी हमें निकालते जानी है, क्योंकि हलवे में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अच्छे से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए, हमारा दूध और गाजर उबल उबल के बहुत ही अच्छा ठीक हो गया है और आप देख सकते हैं इसमें हमारे दाने भी बनने लगे हैं। अभी तक हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ गाजर और दूध को उबाल उबाल के इस तरीके से गाढ़ा कर लिया है। अब उबल उबल के ये इतनी थिकनेस इसकी हो जाए उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप भर के चीनी डाली है और ये जो हमने जो मेज़रमेंट का कप आता है उससे चीनी नाप के डाली है, जो करीब 200 ग्राम जितनी है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो आप इसमें 250 ग्राम के करीब भी चीनी डाल सकते हैं। पर गाजर भी हमारी थोड़ी सी मीठी ही होती है तो 200 ग्राम चीनी इसमें काफ़ी है। चीनी डाले बाद ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा तो फिर से हमें इसे उबाल उबाल के थोड़ा ठीक कर लेना है। तो यहाँ पर हमने 1 किलो गाजर के सामने 1.5 लीटर दूध और 200 ग्राम के करीब चीनी का इस्तेमाल किया है। तो इसे हम उबलने देंगे और साइड पे एक इसका तड़का बना लेंगे। इसके लिए हम एक अलग कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच जितना देसी घी ले लेंगे और इसमें हम थोड़े से काजू बादाम और पिस्ता डालेंगे, जिसे मैंने बड़े टुकड़ों में ही कट कर लिया है, और इसे हम घी में डाल देंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही ये हल्का सा सुनहरा हो जाए वहाँ तक हम इसे भुनेंगे।
इस तरीके से घी में भुने हुए ड्राई फ्रूट्स का हलवे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इस तरीके से भुने हुए ड्राई फ्रूट्स का हलवे में बहुत ही अच्छा क्रंच रहता है। तो देखिए, मैंने 1 से 1.5 मिनट तक स्लो फ्लेम पे ही इसे भून लिया है और हल्का सा इसका कलर भी सुनहरा हो गया है। तो अब ये ड्राई फ्रूट्स को हम हलवे में डाल देंगे। आप देख और सुन सकते हैं कितना बढ़िया इसका तड़का लगा है और इससे ही हमारे गाजर का हलवे का टेस्ट और निखर के आता है। तो आप भी इसी तरीके से ही ड्राई फ्रूट्स को डालिएगा। तो गाजर का हलवा हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो जाए वहाँ तक हम इसे हाई फ्लेम पे ही भूनते रहेंगे। साथ साथ हम इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे इसमें दाने बने हैं और इसमें हमने सिर्फ दूध का ही इस्तेमाल किया है। इसमें हमने मावा भी नहीं डाला है और मिल्क पाउडर भी नहीं डाला है, फिर भी आप देख सकते हैं ये कितना दानेदार बना है। तो इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए वहाँ तक हम इसे हिलाएंगे और चम्मच को हमें बिल्कुल भी रोकना नहीं है क्योंकि ये स्टेज पे नीचे से जल जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप इसे लगातार हिलाते ही रहे। तो देखिए, इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो गया है और आप देख सकते हैं कितना दानेदार हमारा हलवा बनके तैयार हुआ है। और गाजर को हमने बड़ा बड़ा ही ग्रेट किया था इसलिए गाजर के चंक भी इसमें दिख रहे हैं और हमारा घी भी हलवे से अलग हो गया है, यानी कि हमारा हलवा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो बहुत ही आसानी से हमने बिल्कुल हलवाई के स्टाइल से ही ये गाजर का हलवा बनाया है। तो आप भी एक बार इसे इस तरीके से ज़रूर से बनाइएगा, ये सबको ज़रूर से पसंद आएगा। तो गर्मा गर्म गाजर के हलवे को हम सर्व करेंगे। माशाल्लाह, ये इतना दानेदार और लच्छेदार बना है कि इसे देख के ही खाने का मन हो जाए। बहुत ही शाइनी और बिल्कुल परफेक्ट हमारा हलवा बनके तैयार हुआ है। तो आप ये सर्दियों के सीजन में एक बार गाजर का हलवा ये हलवाई की स्टाइल से जरूर से बनाइएगा, जो बहुत ही आसान है और यकीनन ये सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। रेसिपी आपको यूजफुल लगी हो और अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में रहे बेल आइकन को भी आप जरूर से दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है तो आप जरूर से करें क्योंकि मेरी चैनल पे आपको आसान आसान और यूजफुल रेसिपी मिलती रहती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैप्पी कुकिंग।